बेटे अगर तुम प्रसाद बांटोगी तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी, लो ना। लीजिए लीजिए। ठहरिए, यह लड़की प्रसाद नहीं बांट सकती क्योंकि यह पंडित ब्रजमोहन शास्त्री की बेटी नहीं है। पंडित ब्रजमोहन शास्त्री की बेटी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? तो आखिर ये लड़की है कौन? ये एक लावारिस है जो सालों पहले शास्त्री जी को उनके मंदिर की चौखट पर पड़ी हुई मिली थी। ये लड़की शास्त्री जी की बेटी जैसी तो हो सकती है, लेकिन ये पंडित ब्रजमोहन शास्त्री की असली बेटी, नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? राधिका तो पंडित ब्रजमोहन शास्त्री जी के घर में पली है। वो लोग अपनी दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं समझते। घर में तो हम जानवर भी पालते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। पता नहीं किसका गंदा खून दौड़ रहा है इसकी रगों में। इस सनाथ लड़की को पंडित ब्रजमोहन शास्त्री अपने गले लगाना चाहे तो उनकी मर्जी, लेकिन प्रसाद की थाली इसके हाथों में देना ठाकुर जी का अनादर होगा। हम इस घोर पाप को होते हुए नहीं देख सकते। इतना बड़ा धोखा? अरे बेटा, हमने कितने आदर पूर्वक पंडित ब्रजमोहन शास्त्री को हमारे यहाँ पूजा में आमंत्रित किया था और उन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया। इस धोखाधड़ी के जिम्मेवार पंडित ब्रजमोहन शास्त्री है। ये आपका ही नहीं, सारे ब्रिजवासियों का अपमान है। इस धोखाधड़ी का जवाब पंडित ब्रजमोहन शास्त्री को आज ही देना होगा। आइए मेरे साथ। पंडित जी आप बेफिक्र रहिए, जैसे ही शास्त्री जी आते हैं इस मामले में मैं उनसे बात करूंगा। क्या बात है पंडित जी, प्रणाम। आप लोग यहाँ? सब कुशल मंगल तो है? जी नहीं, जब धर्म के कार्यों में अधर्म की बातें होने लगे तो कुशल मंगल कैसे हो सकता है। माफ कीजिएगा शास्त्री जी, लेकिन हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइए अंदर आइए। जी नहीं, हमें जो कुछ कहना है वो हम यहीं कहेंगे, आपके घर की चौखट के बाहर। जैसी आपकी आज्ञा। देवकी जी आप अंदर जाएं। जी आज्ञा कीजिए। राधिका, राधिका। राधिका ये सब क्या है बेटा? क्या तुम बता सकती हो कि पंडित गंगाधर और ये सारे ब्रजवासी यहाँ क्यों आए हैं? बोल राधिका बोल, वहाँ कीर्तन में कुछ हुआ था क्या? विशाखा कहाँ है? माँ वो मुझे लगता है वो लड़की नहीं आएगी, हमें पैकअप कर देना चाहिए। अरे क्या है यार, कहाँ है वो लड़की? बस आ गई सर। आउच, आउच। आपको चोट तो नहीं लगी? सॉरी सर, मेरी वजह से आपको इतना इंतजार करना पड़ा। पर मेरा इंतजार बेकार नहीं गया। थैंक यू सर। सर मुझे भी इस मौके का कब से इंतजार था। लीजिए, मिल गया मौका। आर यू रेडी?
ये बाहर क्या तमाशा लगा रखा है? आएगा कोई? ओ, जरूर इस जन्म जल्दी की कोई ना कोई करतूत होगी। गंदा खून अपना रंग दिखाए बिना रह ना सके। अम्मा जी, आप क्यों हर समय बेचारी राधिका को कोसती रहती हैं? अरे टूटे करम, अब इस जन्म जल्दी के पीछे मोको भी जल्दी कती सुननी पड़ेगी। ठाकुर जी मको उठा लो, ठाकुर जी उठा लो। राधिका, राधिका, राधिका बाहर आओ। क्या सुन रहा हूँ राधिका? क्या गुल खिला के आई है या चौखट की धूल? मनहर जी के कीर्तन में विशाखा की जगह तुम गई थी? मुझे तुमसे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं थी। लाली और दिल की काली, कितनी दफा समझाया था कि सर पे मत चढ़ाओ इस करम जली को। एक दिन पूरी बिरादरी में नाक कटवाएगी। मैंने विशाखा को आदेश दिया था जाने का, फिर तुम क्यों गई? तुमने ऐसा क्यों किया? राधिका को भजन कीर्तन का बहुत शौक है ना जी, शायद इसलिए। शौक के लिए यजमानों को नाराज नहीं कर सकते हम। हम धर्म के रखवाले हैं, धर्म का कोई भी नियम हम नहीं तोड़ सकते। राधिका ने जो कुछ भी किया है वो गलत है। अब मंदिर समिति के सामने मामला रखा जाएगा। कल शाम को मुझे भी बुलाया निर्णय सुनाने के लिए। मगर आपको क्यों? जब मेरी ही बेटी मेरी ही आज्ञा का पालन न करे तो दोष किसका हुआ? मेरा ही ना दिख कीजिए।